और इस बीच और करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट का। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा पर है। आज जन संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन है। अजमेर से जयपुर तक ऐसे में पदयात्रा निकालेंगे सचिन पायलट। किशनगढ़ से दूदू के लिए पदयात्रा के लिए वो रवाना होंगे। किशनगढ़ टोल नाके पर पायलट यात्रा से जुड़ेंगे। तो सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जिसकी शुरुआत कल से हो गई, ऐसे में आज अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकालेंगे। किशनगढ़ से दूदू के लिए पदयात्रा रवाना होगी। किशनगढ़ टोल नाके पर पायलट यात्रा से जुड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। पायलट ने अपनी इस यात्रा को पेपर लीक प्रकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बताया है। कल उन्होंने अजमेर पहुंचते ही कहा कि वे किसी के विरोध में ये यात्रा नहीं निकाल रहे, बल्कि ये आमजन के हित में है। आपको बता दें कि इस यात्रा की घोषणा उन्होंने दो दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर जमकर पलटवार भी किया था। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत अजमेर के आरपीएससी मुख्यालय के बाहर से हुई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और नौजवानों के समर्थन में बताई जा रही यह पदयात्रा अगले 5 दिनों में 125 किलोमीटर तक के सफर को तय करके जयपुर पहुंचेगी। इस रास्ते वे अपनी यात्रा का मकसद और संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दो दिन से सचिन पायलट ऑल इंडिया टॉप विषयों की सूची में बने हुए हैं। लोग सचिन पायलट की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जाने, लंबे वक्त बाद चुप्पी तोड़ने, जन संघर्ष यात्रा निकालने और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा पर कांग्रेस आलाकमान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या पारदर्शिता से जांच हुई है? पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी? एंड में क्या हुआ? अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक की चुनाव जिताती है हराती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में रहे। और हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है, हम भी कहते हैं कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, नौजवानों को प्राथमिकता देंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाकर रखेंगे। ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूं।